Hello dear children, welcome to my English video class for 3rd September 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking all the precautions, keep on following all the safety norms, keep on following all the COVID protocols and stay safe and stay healthy children. In English, we are doing lesson number 5 in our main course book, that is Wordsworth English Reader. And in this book, we are continuing with lesson number 5, which is our visit to the vegetable shop. So children, please take out your book, English course book, your main course book, jo hai grammar book nahi. In English, as you all know by now, that we have 2 books. इंग्लिश में हमारे पास 2 बुक्स हैं, वन इज योर मेन कोर्स बुक एंड वन इज ड्रामा बुक. सो प्लीज टेक आउट योर मेन कोर्स बुक एंड टर्न टू लेसन नंबर 5 विच इज अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. ओके, बाय नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द लेसन अबाउट. लेसन में हमने क्या पढ़ा है, दिस लेसन इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम टीना, हर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. One day she visits a vegetable shop along with her mother, and in that vegetable shop she sees lot of vegetables, बहुत सारे अलग अलग colors की vegetables दिखी. तो she was very much fascinated and she was very much excited. उसको बहुत excitement था और उसको बहुत बड़ा मज़ा भी आ रहा था देख करके. तो she chose some vegetables, her mother chose some vegetables, then they bought lot of vegetables और वो घर लेकर के आए. बहुत थक गए थे but they were very happy and satisfied with their purchase. ठीक है, तो आप भी जब किसी शॉप पे किसी भी जगह पे जब फर्स्ट टाइम जाते हो तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना, बिकॉज वी डू नॉट नो. बच्चे क्या, बड़े लोग भी, हम लोग भी जब किसी जगह पे फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि अरे पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं वो जगह कैसी होगी, क्या क्या होगा वहाँ पे. तो टीना इज़ अ स्मॉल गर्ल, शी गोज टू द वेजिटेबल शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको वेजिटेबल शॉप भी बहुत फैसिनेटिंग, बहुत एक्साइटिंग लगती है बिकॉज बहुत सारे कलर्स की वेजिटेबल थी. आई एम श्योर आप भी जब मम्मी घर में वेजिटेबल सब्जियां खरीद के लाती होंगी तो आप कभी इतने ध्यान से देखते नहीं होंगे कि मम्मी ने क्या क्या खरीदा. मम्मी सब्जी लेकर के आ गई, जो सब्जी मम्मी ने बनाई खिलाई आपने खा लिया. कभी ये देख, बहुत कम बच्चे होंगे जो ये देखते होंगे कि मम्मी ने क्या क्या सब्जी खरीदी. ठीक है, या मम्मी के साथ अगर वेजिटेबल शॉप पर जाती होंगे तो हो सकता है आप मम्मी को बोलते हो मम्मी मुझे कॉलीफ्लावर, मुझे गोभी बहुत पसंद है, गोभी ले लो, गोभी की सब्जी बनाना. तो ऐसा भी बोलते होंगे बच्चे. तो दिस इज द लेसन. We have done the spell well words and we have done the word meanings. Spell well word भी आपको अपनी book में लिख, notebook में लिखना है, English notebook में, and you have to write the word meanings also in your English notebook. Spell well words and English word meaning both you have to write in your English notebook. Word meaning since in the previous class हमने word meaning किया था तो I will just revise all the meanings once. ठीक है, हमने क्या क्या किया था. Bright, ब्राइट का मतलब क्या होता है, वेरी शाइनिंग, बहुत चमकीला, चमकदार. देन वेंडर, वेंडर मीन्स द पर्सन हु सेल्स समथिंग, जो स्पेशली जैसे वेजिटेबल वेंडर हैं, फ्रूट वेंडर हैं, या साइड में जो रोड साइड में जो छोटी छोटी शॉप लगा के या ठेलों पे जो सामान बेचते हैं उनको कहते हैं वेंडर. जैसे देखा होगा आइसक्रीम की गाड़ी होती है, वो उसकी साइकिल टाइप की होती है, आइसक्रीम का बॉक्स होता है उस पर ऐसे कवर जैसा होता है, तो वो दैट पर्सन इज आइसक्रीम वेंडर. तो जो इस तरह से घूम घूम करके सामान बेचते हैं उसे कहते हैं वेंडर. देन लेडन, द वेजिटेबल शॉप वाज लेडन विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स. सो लेडन मींस भरा हुआ, फुल ऑफ, लोडेड, है ना, मतलब दुकान जो है उसकी अलग अलग तरह की सब्जियों से पूरी भरी हुई थी. देन ह्यूज, ह्यूज का मतलब है वेरी लार्ज. जैसे मैंने बताया था ना कि वर्ड इज बिग, ह्यूज मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली बिग. बिग का मतलब बड़ा है, लार्ज माने भी बड़ा है. दीज आर ऑल सिनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड है. बिग माने भी बड़ा एंड लार्ज माने भी बड़ा. ओके, तो अभी साइज हमने बोला, बड़ा मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा भी हो सकता है. अगर हम एक छोटे से नींबू को कंपेयर करेंगे एक किसी बड़े मैंगो के साथ, हम बोलेंगे लेमन इज स्मॉल एंड मैंगो इज बिग. ठीक है, अभी अगर हम एक लेमन को एक
वाटरमेलन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देन वी विल से दैट वाटरमेलन इज वेरी बिग, इट इज ह्यूज. तो इट डिपेंड्स. तो व्हेन समथिंग इज वेरी बिग, बहुत बड़ी कोई चीज होती है तब हम बोलते हैं इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है. इट इज ए दिल्ली इज अ ह्यूज सिटी, बहुत बड़ी सिटी है. ठीक है, तो ह्यूज मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा. ओके, देन 1 किलोग्राम, जैसे ना कि हर मदर पिक्ड अप 1 किलोग्राम ऑफ पोटेटोज एंड अनियंस ईच, मतलब उन्होंने 1 किलोग्राम पोटेटो और अनियन लिया. नो 1 किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अभी क्या चीज़ को मेजर करने की यूनिट है? ऑफकोर्स इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, लेकिन किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट. जो हम वेट मेजर करते हैं उसकी यूनिट है किलोग्राम. ओके, मेजर करना मतलब नापना. आप जब टेलर के पास भी जाते हो कोई कपड़े सिलवाने होते हैं तो टेलर पहले पूरा मेजरमेंट लेता है, जो भी ड्रेस बनानी है उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट लेता है. तो वो मेजरमेंट किस में लेता है? वो या तो सेंटीमीटर में लेता है या इंचेस में लेता है. ठीक है, हम किसी बिल्डिंग की अगर हाइट नापनी है तो हम किस में मेजर करते हैं उसको? मीटर्स में, कितना फीट टॉल है. ठीक है, लेंथ मेजर करनी है. तो हर एक चीज़ को मेजर करने की यूनिट अलग अलग होती है. सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट. जब हम वजन, किसी चीज़ का वेट जब हम नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट किलोग्राम. जैसे आप अपना कभी वेट लेते हो तो वेट आपका किस में आता है? किलोग्राम में आता है. ठीक है, सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट. टू बी मोर स्पेसिफिक, बुक में लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मैंने लिखवाया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आए. देन हैंडफुल, हैंडफुल मतलब ऐसे करके मुट्ठी में, मुट्ठी में जितना आ गया. ठीक है, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, जो भी चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाए. तो जैसे देखा होगा ना, वेजिटेबल वाले भी सब्जी वाले सब्जी देते हैं तो मम्मी अक्सर बोलती हूँ कि भैया थोड़ा सा धनिया पत्ती भी दे देना, तो ऐसे उठा करके थोड़ा सा दे देते हैं, मतलब जितना हाथ में ऐसे आया उठा के दे दिया. तो हैंडफुल मतलब स्मॉल क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड, मतलब उसका कोई मेजरमेंट ऐसा सच नहीं होता, बस ऐसे हाथ उठाया और दे दिया. ठीक है, देन शेल हमने पढ़ा, शेल मीन्स रिमूव द आउटर कवरिंग, किसी भी चीज़ की जो बाहर के बाहर का जो छिलका होता है. ठीक है, जैसे बहुत सारी अधिकतर सब्जियों को हम छील के ही खाते हैं, मटर है, पी पॉट्स को हम छीलते हैं, मटर का छिलका होता है, आलू को छील के खाते हैं, अनियन छील के खाते हैं. ठीक है ना, लौकी है, लौकी का छिलका हटा के खाते हैं, उस वेजिटेबल्स हम बिना छिलका हटाए भी खाते हैं. बहुत सारे जैसे भिंडी को, भिंडी का हम छिलका नहीं हटाते, टोमेटो का छिलका नहीं हटाते, ब्रिंजल का नहीं हटाते. तो शेल मीन्स टू रिमूव द आउटर कवरिंग, छीलना जिसको हम कहते हैं, और शेल का मतलब छिलका भी होता है. ठीक है, जैसे मूंगफली छीला तो उसके जो शेल्स हैं. देन कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है सैटिस्फाइड, आई एम वेरी कंटेंटेड विथ माई परफॉर्मेंस. आज मेरा एग्जाम था और आई एम वेरी कंटेंटेड, मतलब मेरा आज एग्जाम था, मैंने जो भी अपना परफॉर्मेंस दिया है, जैसा भी मैंने टेस्ट किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे. ठीक है, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. सो कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट जिसको हिंदी में कहते हैं. एंड स्क्वीज्ड, स्क्वीज का मतलब है, मतलब होता है प्रेस समथिंग फर्मली. द वर्ड इज स्क्वीज, SQUEEZ, स्क्वीज, जिसको बोलते हैं नींबू को निचोड़ा. नींबू को जब आप ऐसे करके दबाते हो तब उसमें से रस निकलता है ना, सिर्फ काट देने से रस नहीं निकलता है. तो वेन वी स्क्वीज लेमन देन द जूस कम्स आउट. तो उसको आप कैसे निचोड़ते हैं? ऐसे पकड़ते तो नहीं है, उस पर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जोर से दबाते हैं. तो स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस समथिंग फर्मली, जोर से दबाना. जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को भी आप थोड़ा सा दबाते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से नहीं दबा दिया, बहुत ज़ोर से दबा दोगे तो क्या होगा, बहुत सारा पेस्ट एक साथ बाहर आ जाएगा. तो टूथपेस्ट को भी थोड़ा सा जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तभी टूथपेस्ट बाहर आता है. टूथपेस्ट है या जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं. सो स्क्वीज का मतलब होता है दबाना. ठीक है, टू प्रेस समथिंग फर्मली. एंड मैंने एक वर्ड मीनिंग और लिखवाया था, दैट वॉज चिल्ड. चिल्ड का मतलब है वेरी कोल्ड. चिल्ड लेमनेड मतलब बहुत ठंडा, एकदम चिल्ड कॉफी बोलते हैं समर्स में, ओहो बहुत ठंडा ठंडा पीने का मन करता है. चिल्ड जूस, चिल्ड कॉफी, कितना मजा आता है पी के. चिल्ड लेमनेड, तो चिल्ड मतलब बहुत ठंडा. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. सो टर्न टू पेज नंबर 46 and 47. वी विल स्टार्ट विद दिस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. सो अगेन यू हैव टू डू दिस इन योर बुक ओनली, नोटबुक में नहीं करना है, बुक में ही करना है. So write your date and classwork on top.
जैसे मैं लिखती हूँ, मैं आई ऑलवेज राइट क्लास वर्क लेसन फाइव एंड विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, दिस यू नीड नॉट राइट, क्योंकि आप बुक में ही कर रहे हो. जब आप नोटबुक में कोई वर्क करते हो तो नोटबुक में यू हैव टू राइट नेम ऑफ द लेसन या नेम ऑफ द चैप्टर जो भी है, एंड लेसन नंबर एंड नेम बोथ यू हैव टू राइट, बट बुक में नहीं लिखना है. यू जस्ट राइट क्लास वर्क एंड डेट, यहाँ डेट लिखोगे एंड क्लास वर्क. ठीक है, डेट आई एम श्योर चिल्ड्रेन यू ऑल आर अवेयर, अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि डेट हम हमेशा लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं, ये वाला जो है. ठीक है ना, नहीं सॉरी नॉट लेफ्ट, ये हमारा राइट है. बुक को अगर हमने ऐसे पकड़ा तो इस साइड में हम लिखते हैं. नोटबुक में भी आपने देखा होगा डेट के लिए प्लेस बनी रहती है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंशन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको लेसन कितना समझ में आया. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई ओ एन, कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन दैट मीन्स टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आया, आप कितना रीड कर सकते हो. Now, A is select and take, select and take the correct correct answer. ठीक है, now the first one is the name of the vegetable vendor vendor was, the name of the vegetable vendor was, A is Sohan Lal, Sohanlal. B is BABURAM, Baburam, and C is MOHANLAL, Mohanlal. ठीक है, now what was the name of the vegetable vendor? Vegetable vendor का नाम क्या था? क्या था वेजिटेबल? द नेम ऑफ द वेजिटेबल वेंडर वॉज सोहनलाल, बाबूराम, मोहनलाल. क्या नाम था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द वेजिटेबल वेंडर? यस, इट वॉज मोहनलाल. हमने पढ़ा ना, द वेजिटेबल वेंडर मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ द एमजी, कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट. सो द नेम ऑफ द वेजिटेबल वेंडर वॉज मोहनलाल. पुट अ टिक हियर, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक. इसको आप टिक लगाओ, फिर मैं इसको इरेज करके सेकेंड वाला लिखूंगी. Let me check children whether my marker is working or not. If we keep the marker open, अगर इसका cap loose रह जाता है, ठीक से बंद नहीं होता, तो ink dry हो जाती है पूरी. Okay? Written first one, now second one. You just have to put a tick, और तो कुछ करना नहीं है आपको. इसको मैं blue से ही लिखती हूँ. Second is Tina's favorite vegetable shop. Sorry, Tina's favorite vegetable shop vegetable was T I N A. Tina's F A V O U R I T E favorite. V E G E T A B L E vegetable was, Tina's favorite vegetable was, A is G R E E N green peas, B is cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower, and C is S P I N A C H spinach. ठीक है,
वॉट वॉज टीनाज फेवरेट वेजिटेबल, क्या थी? लेसन में पढ़ा ना कि मदर ऑल्सो बॉट टीनाज फेवरेट वेजिटेबल, शी बॉट अ बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस। टेस्टी ग्रीन पीस इससे लिखा है क्योंकि जब फ्रेश ग्रीन पीस आती है, आप ऐसे कच्चे भी खाओ तो खाने में बहुत मजा आता है ना, बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट होता है। सो टीनाज फेवरेट वेजिटेबल वॉज ग्रीन पीस। ठीक है, ग्रीन पीस पे हम टिक लगाएंगे, जिसको टिक आप लगा लो। एवरीवन इज रिटन, थर्ड इज टीना मेड सम। अभी इतना मैं बस इतना इरेज कर रही हूं, नंबर चेंज कर देंगे, इतना चेंज करते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। ठीक है, थर्ड इज टीना मेड सम। क्या क्या बनाया? वन इज ए एज ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज जूस जे यू आई सी ई। सेकेंड इज एल ई एम ओ एन ए डी ई लेमनेड। एंड थर्ड इज सी इज एम आई एल के मिल्क शेक। ठीक है, अभी क्या बनाया था टीना ने? ऑरेंज जूस बनाया, टीना मेड सम ऑरेंज जूस। क्या बनाया? ऑरेंज जूस बनाया या लेमनेड बनाया या मिल्क शेक बनाया? क्या बनाया था टीना ने? यस, लेमनेड। टीना मेड सम चिल्ड लेमनेड, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? लेमनेड बी। ठीक है, टिक लगाओ सारे बच्चे। नाउ फोर्थ वन, आई होप एवरीवन हैज पुट अ टिक। सबने टिक लगा लिया ना बी पे? एंड चिल्ड्रन, वेन एवर वी आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, जहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड लिखना है, टिक लगाना है, क्रॉस करना है, सर्कल करना है, प्लीज डू इट इन द क्लास इटसेल्फ। आप मेरे साथ साथ क्लास में ही करोगे, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक हियर। ओके, नाउ फोर्थ वन है, इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ और फोर्थ लिखने जा रही हूँ। फोर्थ इज They did not buy. Fourth is they, D-I-D, did not buy. क्या क्या उन्होंने नहीं खरीदा? A is cabbage. B is P-U-M-P-K-I-N, pumpkin. And C is S-P-I-N-A-C-H, spinach. ठीक है, द क्वेश्चन सेज दे डिड नॉट बाई, मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं खरीदा, उन्होंने क्या नहीं खरीदा? कैबेज, पम्पकिन या स्पिनच। नाउ चिल्ड्रन, इफ यू रिमेम्बर लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि टीनाज मदर, टीना ने तो कुछ वेजिटेबल्स लिया, टीना की मदर ने क्या लिया? शी ऑल्सो चोज सम ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक बंचेज ऑफ स्पिनच, स्पिनच खरीदा, सम फ्रेंच बीन्स एंड अ बिग लीफी कैबेज। तो स्पिनच भी खरीदा, कैबेज भी खरीदा, और टीना ने क्या चूज किया? टीना पिक्ड अप सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन। तो टीना ने पम्पकिन चूज किया था, तो मतलब टीना ने जो जो वेजिटेबल्स चूज किया था वो भी खरीदा, और मम्मी ने जो वेजिटेबल्स चूज किया वो भी खरीदा। सो दैट मीन्स दे बॉट ऑल थ्री वेजिटेबल्स, कैबेज भी खरीदा, पम्पकिन भी लिया और स्पिनच भी लिया। ठीक है ना, टीना ने स्पिनच पम्पकिन चूज किया था। हर मदर आस्क्ड हर टू हेल्प सेलेक्ट द वेजिटेबल्स शी वुड लाइक टू टेक होम, मतलब जो वेजिटेबल्स वो घर ले जाना चाहेगी। तो टीना ने सम ऑरेंज कैरेट्स लिए, ह्यूज पम्पकिन, फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट। तो इन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, वी विल नॉट पुट अ टिक ऑन एनी ऑफ द ऑप्शन, बिकॉज ये जो थ्री वेजिटेबल्स है, कैबेज, पम्पकिन एंड स्पिनच, इन लोगों ने ऑल, टीना एंड हर मदर, दे बॉट ऑल दीज थ्री वेजिटेबल्स, ये तीनों वेजिटेबल्स उन्होंने खरीदी। सो हियर वी विल नॉट पुट एनी टिक, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें हम कोई भी टिक नहीं लगाएंगे, बिकॉज उन्होंने ये तीनों वेजिटेबल्स खरीदी थी। ठीक है ना, ये तीनों वेजिटेबल्स खरीदी थी। एंड द क्वेश्चन सेज दे डिड नॉट बाय, मतलब उन्होंने क्या नहीं लिया, तो उन्होंने ये तीनों चीज लिया। सो वी विल नॉट पुट एनी टिक हियर। ओके,
Now next is, turn the page children. Now next is, B is, Bholu the monkey is confused. This page number is 4747. ठीक है, ये वाला करने जा रहे भैया. Bholu the monkey is confused. ठीक है, given below are names of some vegetables and fruits. He needs to circle the odd one out. Can you help him? Now here you can see a monkey and the name of the monkey is Bholu. ठीक है, अब वो confused है. ठीक है, क्यों confused है? Bholu confused क्यों है? क्योंकि नीचे मतलब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं. यहाँ पे यू कैन सी द नेम्स ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, नाउ ही नीड्स टू सर्कल द ऑड वन आउट. मतलब हर एक सेट में इधर ऑल थ्री आर फ्रूट्स एंड वन इज वेजिटेबल, या वन इज वेजिटेबल रेस्ट ऑफ द थ्री आर फ्रूट्स. ठीक है, तो उसमें उसको ऑड वन आउट को सर्कल करना है. Odd one out means one something which is different from other. किसी में भी that child is odd one out, that number is odd one out, that fruit is odd one out. मतलब जैसे अगर एक सेट में चार चीज़ें हैं तो थ्री जो है वो किसी ना किसी तरह से सिमिलर होंगी. ठीक है, एक उस पे से कुछ अलग होगा, तो जो अलग होगा that is odd one out. ठीक है, सपोज आई से राज, सोहन, सुनीता एंड गोपाल. ठीक है, राज, सोहन, सुनीता एंड गोपाल, पे अटेंशन. अगर मैं ये चार नाम लेती हूँ, इफ आई टेक दीज फोर नेम्स, राज, सोहन, सुनीता एंड गोपाल, नाउ सर्कल द ऑड वन आउट. तो इसमें आप क्या सर्कल करोगे, क्या चीज इसमें ऑड हुई? राज, सोहन, सुनीता एंड गोपाल. इसमें क्या ऑड वन हुआ? सुनीता, बिकॉज सुनीता इज द नेम ऑफ अ गर्ल. रेस्ट थ्री आर नेम ऑफ बॉयज, राज, सोहन, गोपाल, ये तीनों क्या है? ये बॉयज के नेम है. ठीक है, तो ऑड मतलब जो सब चीज से अलग है, वो कैसे भी हो सकता है. तो यहाँ पे हर एक सेट में देर आर थ्री फ्रूट्स एंड वन वेजिटेबल, और थ्री वेजिटेबल्स एंड वन फ्रूट. वी हैव टू सर्कल द ऑड वन आउट. ओके, नाउ लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. दिस इज कॉम्प्रिहेंशन नंबर बी. कॉम्प्रिहेंशन में ए अभी हमने किया, दिस इज बी. ओके, बी इज, मैं बेटा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज पूरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगी तो मेरा बोर्ड पूरा भर जाएगा. सो आई एम जस्ट राइटिंग सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल द ऑड वन आउट. ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा, सर्कल द ऑड वन आउट. ओके, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा. द फर्स्ट वन इज कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना एंड अनियन. फर्स्ट इज सी ए यू एल आई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, कॉलीफ्लावर, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, बी ए एन ए एन ए, बनाना एंड O N I O N, onion. Second is B R I N J A L, brinjal, A double P L E, apple, O R A N G E, orange, and G R A P E S, grapes. थर्ड वन इज, पहले मैं लिख लेती हूँ उसके बाद सर्कल करेंगे. थर्ड इज एस पी आई एन ए सी एच, स्पिनच, सी ए बी बी ए जी ई, कैबेज, पी ई ए एस, पीस एंड पी ई ए आर, पेयर. ओके, नाउ लेट अस सर्कल कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना एंड अनियन. अब इसमें आप बताओ कि कौन सा ऑड वन होगा. कॉलीफ्लावर दैट इज गोभी, पोटैटो आलू, बनाना केला एंड अनियन प्याज. अभी इसमें से कौन सा ऑड होगा?
कॉलीफ्लावर क्या है? इट इज अ वेजिटेबल, सब्जी है. पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ वेजिटेबल, सब्जी है. बनाना इट इज अ फ्रूट, एक फल है. और अनियन, अगेन अनियन इज अ वेजिटेबल, सब्जी है. तो इसमें ऑड क्या हुआ? ऑड इज बनाना. ठीक है, बिकॉज बनाना इज अ वेजिटेबल, सॉरी बनाना इज अ फ्रूट. रेस्ट आउट ऑफ दीज फोर, थ्री आर वेजिटेबल्स, वन इज फ्रूट. सो बनाना इज द ऑड वन आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स. ब्रिंजल क्या है? जिसको बैंगन बोलते हैं, सब्जी है. एप्पल, सेब, ऑरेंज, संतरा और ग्रेप्स, अंगूर. तो ये एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये तीनों क्या है? ऑल दीज थ्री आर फ्रूट्स, वेयर एज ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल. तो हम सर्कल किसको करेंगे? क्या ऑड हुआ? ऑड मीन्स वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, जो बाकी सबसे अलग है. तो यहाँ पे बनाना वेजिटेबल था, बाकी तीनों फ्रूट्स थे, तो उससे अलग है. यहाँ पे ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल, रेस्ट थ्री आर फ्रूट्स. तो ब्रिंजल अलग हो गया, तो ब्रिंजल को हमने सर्कल किया. ठीक है, देन थर्ड इज स्पिनेच, कैबेज, पीज एंड पेयर. स्पिनेच किसको कहते हैं? पालक को कहते हैं. कैबेज क्या है? कैबेज इस पत्ता गोभी. और पीस क्या है? पीस ग्रीन पीस, हरी मटर जो होती है. और पेयर, पेयर एक फ्रूट होता है, पहाड़ी फल होता है पेयर. पेयर इज अ फ्रूट. तो यहाँ पे क्या ऑड वन हो गया? पेयर इज द ऑड वन आउट, बिकॉज स्पिनेच, कैबेज, पीस, ये तीनों क्या है? दीज थ्री आर वेजिटेबल्स एंड पेयर इज द ओनली फ्रूट इन दिस सेट. सो वी विल इनसर्कल पेयर. ठीक है, आई होप यू आर डूइंग इट अलॉन्ग विथ मी. आप मेरे साथ साथ कर रहे हो. ठीक है, तो इसको आप करो. अभी थ्री आर, थ्री मोर आर देयर. इसको मैं इरेज करके बाकी थ्री लिखती हूँ अभी. ठीक है, ये सबने कर लिया होगा. नाउ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिर्फ सर्कल ही करना था बेटा. नाउ फोर्थ वन इज, फोर्थ इज पम्पकिन, कैरेट, बीटरूट, ऑरेंज. फोर्थ इज पी यू एम पी के आई एन, पम्पकिन, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट, बीटरूट, बी डबल ई टी आर डबल ओ टी, बीटरूट एंड एम ए एन जी ओ, मैंगो. ओके, फिफ्थ वन इज, फिफ्थ इज पाइन एप्पल, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइन एप्पल, जी यू ए वी ए, गुआवा, मेलन, एम ई एल ओ एन, मेलन, एंड सी ए पी एस आई सी यू एम, कैप्सिकम. ओके, एंड सिक्स्थ इज एफ आर ई एन सी एच, फ्रेंच, बी ई ए एन एस, फ्रेंच बीन्स, देन सी एच आई डबल एल वाई, चिली, जी आई एन जी ई आर, जिंजर, एंड पी एल यू एम, प्लम. ओके, नाउ लेट अस एनसर्कल. इसको मैं रख दूं. अच्छा, ओके, पम्पकिन, कैरेट, बीटरूट, मैंगो. पम्पकिन क्या है? ह्यूज पम्पकिन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुमड़ा. कैरेट, कैरेट इज गाजर. बीटरूट, बीटरूट इज चुकंदर. और मैंगो क्या है? मैंगो है आम. तो पम्पकिन, कैरेट एंड बीटरूट, दीज थ्री आर वेजिटेबल्स, वेयर एज मैंगो इज अ फ्रूट. तो मैंगो सबसे अलग है, तो हम यहाँ पे मैंगो को एनसर्कल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाइन एप्पल, गुआवा, मेलन एंड कैप्सिकम. पाइन एप्पल जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनन्नास, देखा है ना, ऐसे इतना बड़ा सा फ्रूट होता है, ऊपर उसकी थोड़ी सी कांटे कांटे वाली लीव्स होती हैं, तो छिलका बहुत मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, और उसके बीच बीच में आइस जैसी होती हैं. तो पाइन एप्पल को छीलना और कट करना बड़ा ट्रिकी होता है, बट इट इज़ अ वेरी जूसी फ्रूट, बहुत अच्छा फ्रूट होता है. ओके, सो पाइन एप्पल इज अ फ्रूट. गुआवा जिसको अमरूद कहते हैं, गुआवा इज अ फ्रूट. मेलन मतलब वाटरमेलन भी हो सकता है, मस्क मेलन मतलब खरबूज भी हो सकता है, तरबूज भी हो सकता है, एंड कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है. तो पाइन एप्पल, गुआवा, मेलन, दीज थ्री आर फ्रूट्स, वेयर एज कैप्सिकम इज अ वेजिटेबल. तो यहाँ पे क्या है? कैप्सिकम ऑड वन आउट है, बाकी तीन तो फ्रूट है, कैप्सिकम अलग है.
तो हम यहाँ पे कैप्सिकम को सर्कल करेंगे क्योंकि कैप्सिकम वेजिटेबल है, बाकी थ्री फ्रूट्स हैं। फ्रेंच बीन्स, चिली, जिंजर एंड प्लम। फ्रेंच बीन्स क्या है? फ्रेंच बीन्स एक सब्जी है, पतली पतली जो बीन्स जैसी होती है, उसको काट काट के सब्जी बनाते हैं और जब उसको छोड़ देते हैं, जब उसका सीजन ख़त्म होने लग जाता है, वो पक जाती है, तो उसके अंदर जो उसके जो सीड्स होते हैं उसको खाया जाता है। फ्रेंच बीन्स जैसे जो राजमा होता है, लोबिया होता है, फ्रेंच बीन्स। चिली किसको बोलते हैं? चिली इज मिर्ची। जिंजर अदरक। फ्रेंच बीन्स, चिली एंड जिंजर, ऑल दीज थ्री आर वेजिटेबल्स। और प्लम क्या है? प्लम फ्रूट है। अगेन प्लम जिसको खुबानी बोलते हैं हिंदी में, पहाड़ी फ्रूट है, पहाड़ों पे होता है। जो ये पेड़ है, प्लम है, दीज आर फ्रूट्स विच आर फाउंड इन हिल स्टेशन एंड प्लेसेज विच आर नियर हिल स्टेशन। जो हिल स्टेशन के पास जो प्लेसेज है वहाँ पर ये फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं, हमारे यहाँ बनारस में बहुत कम मिलते हैं। तो प्लम इज अ फ्रूट, बाकी तीन वेजिटेबल्स हैं। तो प्लम इज द ऑड वन आउट, हम यहाँ पे प्लम को सर्कल करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये आप इसको आप अपनी बुक में करोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर विच वी विल डू इन आवर नोटबुक। ओके, सो आई होप एवरी वन हैज सर्कल एंड सर्कल सबने कर लिया। सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।